सैकड़ों वर्षों से इंतजार अब खत्म हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, जिसके बाद में शहर शहर जश्न मनाया जाने लगा। हम आपको भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर नगर सेवक यशवंत टावरे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का दर्शन किया और उसके बाद में लोगों में लड्डू बांटी। जो कुछ भी था, स्पष्ट यह था जो रामलला का यह मंदिर का निर्माण, जो जितने प्रयत्न के बाद यह आज शिलान्यास किया गया, सचमुच में लोगों में एक खुशी का माहौल है। और साथ में जहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक एकता का मिसाल भी देखा जा रहा है। लोगों ने मिलकर एक साथ रहकर यह उत्सव के रूप में मनाया, लड्डू बांटी गई, साथ में आने जाने वाले हर लोगों को लड्डू दिया गया, जिसके बाद में यशवंत टावरे ने फटाकड़ी फोड़ी। पूरी आतिशबाजी से भंडारी कंपाउंड गूंजता रहा। उन्होंने हमारी टीम से बातचीत में बताया कि यह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की एक जय है। लेकर चलते हैं हम आपको यशवंत टावरे के वक्तव्य सुनाने के लिए। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है अयोध्या में, कितनी खुशी है, आपने क्या क्या किया है? आज 500 साल के बाद एक सपना पूरा होने जा रहा है हर एक 130 करोड़ हिंदुओं का, क्योंकि भारत देश में ये बहुत सालों से जो चल रहा था 500 सालों से कि आज होएगा कल होएगा, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। लेकिन जो मोदी के राज में हुआ है उसको हम तो श्रेय उन्हीं को देंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे हमें लग रहा है। क्या क्या आज आपने किया खास करके? आज हमने देखो एक सभी लोगों के राम जी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटे पैमाने पे भले बारिश हो रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं कि आज अयोध्या में जो हो रहा है दिवाली मनाई जा रही है, तो छोटे पैमाने पे हम लोग भी यहाँ पे दिवाली मनाएंगे। आज शाम को भी मनाएंगे, कल से मनाते आ रहे, और आज के दिन सब ऐतिहासिक दिन है। सभी लोग बोलते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख बता दी गई है, 5 तारीख है। सभी लोग ध्यान में रखो कि 5 तारीख को ही मंदिर का शुभारंभ हो गया।